अरे वाह, मुनि ने तो कमाल कर दिया। उसने किसी चिड़िया का बच्चा चुरा लिया और अब मैं इसको मसाला और मच्छी वगैरह लगा कर रख दूंगी, ताकि जब भैया आएंगे तो इसका मांस खाएंगे, क्योंकि उनको इसका मांस खाना बहुत पसंद है और वो मेरी बड़ी तारीफ करेंगे। हाय हाय, किसी चिड़िया के अंडे बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, कोई एक चुरा लेता हूँ और इससे जो बच्चा निकलेगा मैं उसका मांस खाऊंगा। फिर जालिम चील वहां से एक अंडा उठा लेता है और अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है। भैया भैया, मुनि ने तो आज कमाल कर दिया, वो एक चिड़िया का बच्चा चुरा कर लाई है। मैंने अब इस पर मसाला और मिर्च वगैरह लगा दी है। आपको तो इसका मांस खाना बहुत पसंद है, आप नोश फरमाए। फिर वो उसका गोश्त खाने लग जाता है। अरे वाह, ये तो बड़े मजे का था, बहुत शुक्रिया मेरी छोटी बहन। कोई बात नहीं भैया, मेरे बड़े भैया हैं इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मेरा अंडा, मेरा एक अंडा गायब हो गया, पता नहीं किसने चुरा लिया। मैं तो खुश थी क्योंकि आज शाम को इन दोनों अंडों से बच्चों का निकलना था, लेकिन मेरी किस्मत एक अंडा ही चोरी हो गया। अब मैं इस एक अंडे का क्या करूंगी, पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है। अब किसने पता नहीं मेरा अंडा चुरा लिया और मेरा अंडा पता नहीं सलामत होगा या किसी ने खा लिया होगा। पूरे 6 माह मैंने अंडों को अपने पेट में रखा इसी उम्मीद के साथ कि अंडों से बच्चे निकलेंगे और ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन अंडा तो किसी जालिम ने चुरा लिया है। अब मेरा बुढ़ापा पता नहीं कैसे कटेगा, अब इस अंडे से पता नहीं बच्ची निकलती है या बच्चा निकलता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ और मैं करूँ तो क्या करूँ, पता नहीं इस चुराए हुए अंडे से कब बच्चा आता है। सुबह से इस अंडे को लेकर आया हूँ लेकिन शाम हो गई अभी तक बच्चा नहीं आया। पता नहीं कब तक ये बच्चा पैदा होता है। अरे जल्दी बच्चा पैदा हो जाए तो मैं इसे खा लूँ। जालिम चील बड़ी बेताबी से उस अंडे से बच्चे के निकलने का इंतजार कर रहा था। वो सुबह अंडे को लेकर आया था लेकिन शाम हो चुकी थी, लेकिन बच्चा नहीं निकला था। वो बहुत परेशान था और जल्दी जल्दी लगाए हुए था कि मुझे भूख लगी हुई है और जल्दी से अंडा निकले और मैं खाऊं। वो इस बात का रोना रो ही रहा था कि अंडे से अचानक बच्चा निकल आता है जो कि बिल्कुल सफेद था। मम्मा मम्मा, अंडे में मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, शुक्र है मैं अंडा तोड़कर बाहर आ गया। मम्मा, आप मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मैंने सब बातें सुन ली हैं, अब मैं बाहर आ गया हूँ, आपको खुश होना चाहिए। चील बजाय इसके कि खुश होती वो उल्टा रोने लग जाती है, क्योंकि उसको अपने वही बच्चे की याद आ जाती है जो उसका कुछ अर्से पहले किसी ने अंडा चुराया था और उससे जो बचना निकला था उसको किसी जालिम ने मार कर खा लिया था। और इसकी बीवी भी उसी गम में चल बसी थी और उसे वो गम याद आ गया और उसने सोचा कि ये बच्चा तो मुझे अपनी मम्मा कहकर पुकार रहा है। जालिम चील के अंदर एहसास की एक किरण चमकती है जिसकी वजह से वो चिड़िया के बच्चे को गले लगा लेता है और सोचता है कि मैं इसे अपनी अम्मी के हवाले करूँगा, तब तक मैं इसके खाने पीने का बंदोबस्त करता रहूँगा। फिर चील उसे वहाँ बिठा देता है और उसके खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए वहाँ से ही चला जाता है। अरे वाह, ये प्यारा बच्चा जरूर ये मुनि लाई होगी, आज मैं फिर इसको मसाला और मिर्च वगैरह लगा कर रख देती हूँ और जब भैया आएंगे तो मैं उसे पेश कर लूंगी और फिर वो मेरी तारीफ करेंगे। ये जालिम इसे मार ही रही होती है ताकि इसको मसाला लगा सके कि इधर से चील आ जाता है और फिर इसे रोक देता है। बस दोनों, हमने बहुत ज्यादा जुल्म कर लिया है, जिस तरह आज हम जुल्म कर रहे हैं कुछ अर्से पहले इस तरह मुझ पर भी जुल्म किया गया था, मेरा बच्चा भी इसी तरह कत्ल किया गया था। सर वो काम मैं नहीं दोहराऊंगा, मैं तुम दोहराओगी। मैं किसी चीड़ा से एक अंडा चुरा कर लाया था, अब उससे ये प्यारा सा बच्चा निकला है। अब मुझे एहसास हो गया है क्योंकि मेरा बच्चा भी इसी तरह कत्ल हुआ था। अब मैं ना किसी चीड़ा का अंडा चुराऊंगा ना उसका बच्चा, और अब मैं किसी के बच्चे का मांस खाऊंगा और मैं इस बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ आऊंगा। तो बहुत खुश होगी अपने बच्चे को देख कर, क्योंकि वो सोच रही है कि मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ। चील मुकम्मल तौर पर यह फैसला कर चुका होता है कि मैं ये बच्चा इसकी अम्मी को दे दूंगा। भाई आपकी बात तो ठीक है, मैं भी बर्दाश्त कर लूंगी इसके बगैर, मगर अब ये बताओ कि हमारे परिवार के लोग तो बहुत जालिम हैं, इस चिड़ी को नहीं छोड़ेंगे, कोई हल है आपके पास? हाँ छोटी, इसका सिर्फ एक ही हल है, हमारे परिवार में से किसी को पता नहीं कि मैं एक अंडा चुरा कर लाया था और अब इसमें से बच्चा निकला है, उनसे छुपा कर मैं ये बच्चा उस चिड़ी को देने जा रहा हूँ। फिर चील उस बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसको उसकी माँ के पास छोड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है।
चील वाले अंडे के साथ साथ इस सुहेद चिड़ी के अंडे से भी बच्चा निकल आता है। काश मेरा दूसरा अंडा किसी जालिम ने चुराया ना होता तो आज एक की जगह दो अंडे होते और उनसे दो बच्चे निकलते। जिस तरह ये प्यारा बच्चा निकला है इस तरह दूसरे अंडे से भी एक प्यारा सा बच्चा निकलता। वो ये कह रही होती है कि इतनी देर में वो चील एक छोटी नन्ही बच्ची को वहाँ लेकर आ जाता है। इतना बड़ी चील को देखकर चिड़िया डर जाती है, लेकिन चील उसे तसल्ली देता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। बहन जी मुझ गुनाहगार को माफ कर दीजिए, क्योंकि आपका जो अंडा गायब हुआ था वो मुझ गुनाहगार के हाथों से ही गायब हुआ था। मैंने आपका अंडा चोरी किया था, मुझे इसके लिए माफ कर दें। अब आपका बच्चा निकल आया है तो मैंने सोचा आपको वापस कर दूं। भाई चील आपको एहसास हो गया है और आपने मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दी है, मेरे लिए यही भी काफी है और मैं तुझको माफ करती हूँ। आप जैसे नेक लोगों की वजह से तो ये दुनिया चल रही है, मैंने तुम्हें माफ किया। इस तरह सुफ़ेद चिड़ी को अपनी दोनों बेटियां मिल जाती हैं और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है और चील का फिर से शुक्र अदा करती है और इसके बाद वो हंसी खुशी के साथ एक मुकम्मल फैमिली के साथ रहने लग जाते हैं।